हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कपड़े से डोरी कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले जिस कपड़े की डोरी बनानी है उस कपड़े को ले लेंगे, और उसमें ये सीधा कपड़ा है, इसमें तिरछे पट्टियां कटिंग करनी है। जितनी लंबी डोरी बनानी हो उस हिसाब से हमें पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर जितनी, और जितनी लंबी डोरी हमें बनानी है लंबाई उतनी रख लेंगे, 2 सेंटीमीटर जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम पट्टी कटिंग कर लेंगे। डोरी बनाने के लिए पट्टी हमें तिरछी लेनी है, इस तरह से पट्टी लेनी है। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए इतना ही कपड़ा लिया है मैंने। जैसे आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप लंबी पट्टी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सिलाई लगाने के लिए इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड रहेगी और जो उल्टी साइड है वो बाहर रहेगी। अब जो पट्टी में फोल्ड की साइड है ये वाली, इसमें हमें 1/4 सेंटीमीटर जितनी सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये इस तरह से मैंने सिलाई करके तैयार कर लिया है, देखिए पूरे में सीधी सिलाई लगानी है। अब इसे फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। डोरी बनाने के लिए जो ये सिलाई करते हैं वो सेम कलर के धागे से ही करें, क्योंकि फोल्ड होने के बाद में सिलाई हल्की हल्की नजर आएगी। तो इस तरह से मैंने ये सिलाई करके तैयार कर लिया। अब इसे मैं आपको मोड़ना बताती हूँ। सबसे पहले तो जो ये किनारी है इसको हम इस तरह से पहले सीधा कट करेंगे, और फिर जहाँ से सिलाई है ये जो सिलाई वाला पॉइंट है यहाँ से क्रॉस कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से जो ये सिलाई का पार्ट है वहाँ से ये क्रॉस कट कर लिया है, और ये वाला मैंने जो फोल्ड साइड है वो है। इसको फोल्ड करने के लिए जो हमें सुई में धागा पिरोना है वो बताती हूँ। धागे को डबल कर लेना है, मैंने ब्लैक कलर का धागा यूज़ किया है, इसमें कोई भी कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं। सिंगल धागा लेके हमें इस तरह से डबल कर लेना है, जिसमें एक साइड इस तरह से लूप बनती हो और फिर सुई में पिरो लेना है इस तरह से। जो दोनों भाग खुला है उसे हम छोटा रखेंगे और जो लूप बना हुआ पार्ट है उसे हम लंबा रखेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब जो हमने कट लगाया है पट्टी में यहाँ पर, इसी तरह ध्यान से देखना, जो हमने ये कट लगाया है ये फोल्ड साइड है, उसमें से बाहर से सुई डालनी है और इसके लूप बीच में से निकालनी है इस तरह से। अब ये निकाल कर जो ये लूप वाला पार्ट है इसमें से हमें वापस सुई इस तरह से, ये लूप ऊपर बनना चाहिए। अब हमें सुई को उल्टा करके इसके अंदर डालना है, जो सिला हुआ पार्ट है इसके अंदर हम इस तरह से सुई डाल लेंगे। ये नोक है और जो उल्टी साइड है सुई की वो मैंने पहले अंदर डाली है, इस तरह से अंदर डाला। अब इसको हल्के हल्के हाथ से सुई को आगे धकेलेंगे और कपड़ा हम इस तरह से पीछे लेंगे। ये पूरा सुई इस डोरी में से निकालेंगे। अब इस तरफ आने के बाद में ये सुई आपकी बाहर आ गई। अब इसे पलटने के लिए हमें इसको धागे को हल्का हल्का खींचना है, जो धागा है इसको खींचना है, और हमें यहाँ से हल्के हाथ से इसको पकड़ के रखना है ताकि ये अंदर जाएगा। ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसे इस तरह से
फ्री करना है और एकदम हल्के हाथ से इस तरह से, ये देखिए ये अब कपड़ा इसके अंदर खींचता जाएगा। धागे को हल्का हल्का खींचना है, ये वाला धागा है वो हमें इस तरह से हल्का हल्का खींचना है और ये अब हल्का कपड़ा फोल्ड होने के बाद में अंदर अब हमें यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। फिर यही डोरी को पकड़कर इस कपड़े को खिसकाना है, धागे से डोरी खींचेंगे। अगर हम धागे से ही पूरा खींचेंगे तो धागा टूटने का डर रहता है अंदर, इसलिए हम डोरी कपड़े को अंदर से खींचकर इसके ऊपर कपड़ा इकट्ठा करेंगे और फिर इस कपड़े को यहाँ से रिवर्स करेंगे इस तरह से। देखिए डोरी कपड़ा बाहर आ गया। अब इस धागे को नहीं पकड़, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ के ये कंप्लीट इसको हम खींचेंगे, ये पूरी सीधी हो गई। और ये देखिए बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ में ये डोरी तैयार होती है। हम चाहे जितनी लंबी डोरी बनाना चाहें इस तरह से बना सकते हैं, जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए उतना लंबा हम कपड़ा ले सकते हैं। डोरी लंबी बनानी है तो धागा भी थोड़ा लंबा लें ताकि हमें पलटने में आसानी रहे। फ्रेंड्स, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।